तो दोस्तों, जब मैंने ये रियाज उल जन्ना का रिव्यू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसके बेस में कुछ वैनिला स्वीट स्मोकी कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, और वो एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है दाना, जिसके जैसा लगता है ना। अगर अल नियमी उस दाना की हम बात करें तो वन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस इज दुबई गोल्ड। अब ये दुबई गोल्ड की खुशबू दोस्तों वैसी ही आती है, ये जो दुबई गोल्ड मेरे पास है अल नियम का, इसकी खुशबू रियाज अल जन्ना में जो बेस है ना, बिल्कुल वैसी ही आती है। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस दिस फ्रेग्रेंस। ओके, तो ये इस तरीके की कुछ पैकेजिंग है। 6 ml का ये है, नॉन अल्कोहलिक है, लॉन्ग लास्टिंग 6 ml रोलॉन अत्तर। ओके, बजट में है तो लिंक में दे दूंगा, प्राइस आपको पता पड़ जाएगा। सिंथेटिक परफ्यूमरी कंपाउंड्स है, मतलब एक सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है। अल नियम, भंडारी स्ट्रीट, मुंबई, ठीक है। ऑलराइट, सो अब ये देखिए इस तरीके की इसमें है, एंड इसमें रोल ऑन लगा हुआ है। इट्स लाइक दुबई गोल्ड, खुशबू लीजिए आप। हाँ लीजिए। मैं लेता हूँ। आ एग्जैक्टली वॉट लाइक द बेस ऑफ रियाजुल जना, लेकिन ये अपने आप में भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस मानूंगा मैं। अब इसकी फ्रेग्रेंस को अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो वेनिला डेफिनेटली काफी हैवीली मौजूद है इसमें। स्वीट, हल्की सी चॉकलेटी वाइब्स भी है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक चोकोमस्क या वैसा नहीं है। चोकोमस्क थोड़ा अलग लेवल पे चले जाता है, ये थोड़ा बेसिक है, लाइक वेनिला चॉकलेट उस तरीके का है। दैट्स इट, हल्की बहुत ही हल्की सी स्मोकीनेस का एहसास हो सकता है आपको, बट नहीं भी हुआ तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। बट वेनिला स्वीट एंड थोड़े बहुत चॉकलेटी इफेक्ट्स, ओके, एंड बट नॉट एग्जैक्टली लाइक चोको मस्क। थोड़ा उससे बेटर लगा मेरे को ये दुबई गोल्ड। सरप्राइजिंग बात है कि मेरे पास एक दुबई गोल्ड करके फ्रेग्रेंस अलग से है, जो बिल्कुल भी इसके ऐसा स्मेल नहीं करता, तो दैट इज वेरी डिफरेंट। तो आई वाज सरप्राइज कि यार दुबई गोल्ड ये है, और दाना करके एक फ्रेग्रेंस आता है विच इज मोर और लेस सिमिलर टू दिस। उसका अलग से रिव्यू करूंगा मैं, बट या दाना जो फ्रेग्रेंस है वो काफी कुछ ये दुबई गोल्ड जैसा ही लगता है। अब इसको कौन अप्लाई कर सकता है? दिस इज यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस दोस्तों। ओके, और दिखा भी देता हूँ। यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, दिन में अप्लाई कर सकते हैं, रात को भी अप्लाई कर सकते हैं, विंटर्स में ज्यादा मजा आएगा, पर समर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, शाम के वक्त अच्छा लगेगा ये। कैन यू अप्लाई दिस इन ऑफिस? मे बी ऑन फ्राइडे व्हेन द एनवायरमेंट इज अ बिट कैजुअल, शायद ये फ्रेग्रेंस उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्टी वेयर डेफिनेटली यस, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा ये पार्टी में, बहुत अच्छा स्ट्रांग इफेक्ट देगा, और जितना ज्यादा वो बॉडी हीट होगी ना उतना ज्यादा ये एक्स्यूड होगा, मतलब उतना ज्यादा ये प्रोजेक्ट करेगा। इसका प्रोजेक्शन काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्शन है इस फ्रेग्रेंस का, और या ट्रेल्स भी अच्छे खासे निकलते हैं। वो चॉकलेटी वाइब्स, वेनिला वाइब्स जो है वो आप में से आते रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। स्वीट इफेक्ट, एक स्वीट अम्ब्रेला आपके आजू बाजू मौजूद रहेगा। तो इस टाइप का कुछ ये फ्रेग्रेंस है, यूनिसेक्स है, एनीवन कैन अप्लाई इट। बच्चे, या आई डोंट थिंक किड्स कैन नॉट अप्लाई इट, किड्स ऑल्सो कैन अप्लाई इट, बट उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। लाइक किड्स, इफ यू वांट टू अप्लाई परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस, प्लीज डू इट इन द सुपरविजन ऑफ एन एल्डरली पर्सन, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, कोई गार्जियन है, दादा दादी है, नाना नानी है, कोई और बड़े लोग हैं, उनके सुपरविजन में ही आप परफ्यूम्स को हाथ लगाएंगे, क्योंकि ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए नहीं होते हैं। कभी आपकी जीबान पर लग गया, कभी आंख में लग गया, तो पता नहीं, लेकिन नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज ये ध्यान रखना, और आप लोग जो देख रहे हैं बड़े लोग, वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखना। दुबई गोल्ड, तो ये था दुबई गोल्ड का रिव्यू। अच्छा फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, लोकल शॉप्स पे ट्राई करें। अगर दुबई गोल्ड जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन बताया वैसा नहीं मिल रहा है आपको, तो दाना करके एक फ्रेग्रेंस आता है, वो आप ट्राई करें, दैट इट इज मोर और लेस सेम लाइक दिस वन। ओके, वैसे अल्युमिनियम का भी एक दाना आता है, वो मेरे पास नहीं है, वो मैं कभी ट्राई करूंगा, एंड आई विल सी वेदर बोथ ऑफ देम आर सेम, बट दैट्स व्हाट इज अबाउट दुबई गोल्ड बाय अल्युमिनियम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस फ्रेग्रेंस रिव्यू। कीप स्मेलिंग ऑसम। बाय बाय, नमस्कार।